ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो विजुअल बेसिक के फोर्थ यूनिट से रिलेटेड है, जिसका नाम है डेटा एक्सेस यूजिंग एडीओ डेटा कंट्रोल, जिसको एडीओ डीसी भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक हम देखेंगे, यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है ये, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडीओ डेटा कंट्रोल। तो हम देखते हैं कि एडीओ डेटा कंट्रोल क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। विजुअल बेसिक में जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डेटाबेस कनेक्टिविटी की जाती है। अगर आपके पास कोई डेटाबेस बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डेटाबेस हमने बनाया था, किस नाम से था वो डेटाबेस, जैसे ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपको एक डेटाबेस दिख रहा है, मैं यहाँ पे डेटाबेस ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि एक डेटाबेस यहाँ पर बना हुआ है जिसमें स्टूडेंट टेबल है, और स्टूडेंट टेबल में ये सारी डिटेल्स हैं। वैसे ही बुक टेबल है, बुक टेबल आप देख सकते हैं, बुक टेबल में ये डिटेल्स हैं, बुक के आईडी, बुक का नाम, बुक का सब्जेक्ट, और वैसे ही इशू रिटर्न जो टेबल है वो अभी फिलहाल जो उसमें कोई डेटा नहीं है। तो ये एमएस एक्सेस में ये सारी डिटेल्स हैं, इसको मैं बंद करता हूँ। ये आपके एमएस एक्सेस की फाइल है, इससे हमको कनेक्टिविटी करनी है। तो कनेक्टिविटी करने के लिए हमको यहाँ पर दो कंट्रोल की ज़रूरत होती है, जो एडीओ कंट्रोल होता है उसके द्वारा हम कनेक्टिविटी करेंगे। तो इसका स्टेप क्या है, थोड़ा लंबा है और इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पे दो कंट्रोल ऐड करना होगा जो कि यहाँ पर नहीं है पहले से। उसका नाम है एडीओ कंट्रोल, एडीओ डेटा कंट्रोल, और दूसरा है डेटा ग्रिड कंट्रोल। तो उसको ऐड करने के लिए हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, कंपोनेंट्स में क्लिक करेंगे, ये कंपोनेंट्स जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। कंपोनेंट्स पे क्लिक करते ही कंपोनेंट विंडो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है दो कंट्रोल के नाम या दो कंट्रोल लाइब्रेरी, एक तो है माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड है माइक्रोसॉफ्ट एडीओ डेटा कंट्रोल, और साथ ही साथ आपको सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रिड कंट्रोल। यहाँ पर देखिए अब लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रिड कंट्रोल 6.0, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस एरिया पर दो कंट्रोल्स दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर दो कंट्रोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो कंट्रोल्स आ गए हैं, एक का नाम है एडीओ डीसी और दूसरे का नाम है डेटा ग्रिड कंट्रोल। तो ये एडीओ डीसी जो कंट्रोल है इसी को हमको पढ़ना है, यही एडीओ कंट्रोल है, एडीओ डेटा कंट्रोल जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, लिखा है ये लिखा है एडीओ डेटा कंट्रोल, यही है एडीओ डीसी, इसी को पढ़ना है। इसका काम होता है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करना, लेकिन डेटा को डिस्प्ले करने का काम ये डेटा ग्रिड करता है। ये डेटा ग्रिड है, आप देख सकते हैं मैंने इसको सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आपको इसका नाम दिखाई दे रहा होगा डेटा ग्रिड, और वैसे ही इसको सेलेक्ट करने पर आपको इसका नाम दिख रहा होगा एडीओ डीसी। तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं एडीओ डीसी और ये डेटा ग्रिड है। अब ये इसको प्रोजेक्ट फॉर्म पर ऐड करने के बाद हमारा स्टेप चालू होगा। अब हमको एडीओ डीसी को कनेक्ट करना है डेटाबेस से। तो पहला स्टेप हमारा होगा राइट क्लिक करना है, एडीओ डीसी प्रॉपर्टीज में जाना है। क्लिक करने के बाद एडीओ डीसी प्रॉपर्टीज, तो ये प्रॉपर्टी पेज ओपन होगा। हमको सेलेक्ट करना है यूज़ कनेक्शन स्ट्रिंग और क्लिक करना है बिल्ट बटन पे, ये जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करते ही हमको डेटा लिंक प्रॉपर्टी पेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा, डेटा लिंक प्रॉपर्टी पेज आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट जेट 4.0 OLEDB। ये हमने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि हमारा जो कनेक्टिविटी है वो एमएस एक्सेस से हो रहा है, जिसके लिए ये ही ड्राइवर है। दूसरे से कनेक्टिविटी करनी है आपको, ओरेकल से करना है, तो अलग अलग ड्राइवर्स हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे, और अगला जो कनेक्शन वाला प्रॉपर्टी है वो आपसे पूछेगा डेटाबेस का नाम क्या है आपका या लोकेशन क्या है। तो आपको अपना डेटाबेस का लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। हमारा डेटाबेस जो है वो डेस्कटॉप पर लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर लाइब्रेरी नाम का था, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये उसकी लोकेशन आप देखेंगे, यहाँ पर उसकी लोकेशन आ जाएगी, क्लियर है।
इसके बाद हमें क्लिक करना है टेस्ट कनेक्शन पर। टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करते ही ये टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड मैसेज आएगा, इसका मतलब है कि डेटाबेस से कनेक्शन हो गया है। लेकिन टेबल तक अभी हम नहीं पहुँचे, अभी हम फाइल तक पहुँचे हैं। अब उसके अंदर तीन टेबल्स थे, अब उनके अंदर जाना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जैसे ही ओके करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट हो गई है। इसे हमें टाइप नहीं करना है, इसे हमें बिल्ट या जनरेट करना था। अगला स्टेप है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर हमें डेटाबेस का पासवर्ड दे सकते हैं अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, फिलहाल अभी नहीं है। और ये सेकेंड स्टेप है जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हमको देखेंगे रिकॉर्ड सोर्स। रिकॉर्ड सोर्स आपको दिख रहा होगा, इसे सेलेक्ट करना है। रिकॉर्ड सोर्स में हमें दो चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, पहला तो होता है कमांड टाइप। कमांड टाइप में हमें सेलेक्ट करना होगा सीएमडी टेबल। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीएमडी टेबल, क्योंकि हमें टेबल से कनेक्टिविटी करनी है। और दूसरा चीज़ हमें सेलेक्ट करना होगा टेबल और स्टोर्ड प्रोसीजर नेम। यहाँ पर हमको, आप देख रहे हैं कि आपको तीन टेबल दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपके डेटाबेस में जितने टेबल होंगे वो सारे दिखाई देंगे यहाँ पर। तो हम जिस टेबल से कनेक्टिविटी चाहते हैं, मान लीजिए बुक टेबल से चाहते हैं, तो बुक को सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने बुक टेबल को सेलेक्ट किया। तो रिकॉर्ड सोर्स में हमें यहाँ पर दो चीज़ों को दिखाना है, कमांड टाइप और बुक टेबल। तो जैसे ही मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ये हमारी कनेक्टिविटी ADODC जो है डेटाबेस के बुक नाम के टेबल से कनेक्ट हो चुका है, बट वो डिस्प्ले नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी कनेक्टिविटी नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल मैं रन करूँगा तो ये इस तरीके से कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं कर रहा है और डिसेबल फॉर्म पर है। अब हमें करना क्या है, इसकी बाइंडिंग करना है इससे, ADODC से। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा ग्रिड को आप देख सकते हैं कि अभी डेटा ग्रिड वन जो है वो सेलेक्टेड है। अब डेटा ग्रिड वन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है डेटा सोर्स। ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी। डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में आपको सेलेक्ट करना है ADODC का नाम जिससे आपको कनेक्टिविटी करनी है। मैंने यहाँ पर ADODC 1 सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया तो देखेंगे आप यहाँ पर ये छोटा सा जो पॉइंटर है वो आ गया है, कर्सर बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये जो डेटा ग्रिड है वो इससे कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसे रन करूँगा तो डेटाबेस में रखी हुई बुक नाम का जो टेबल है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखेगी। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पर कोई चेंजेस करते हैं, जैसे जावा के नाम में मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंटर है वो इस पे आ गया है, ये पॉइंटर देखिए यहाँ पर आ गया है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने कोई चेंजेस किया, वो चेंजेस जो है डेटाबेस में हो गया होगा। हम डेटाबेस में जाते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। बुक नाम की जो टेबल थी, हम बुक नाम का टेबल ओपन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जावा जो लिखा हुआ है उसके पीछे 6-7 बार ए लिखा गया है, यही चेंजेस हमने वहाँ किया था। अब हम यहाँ पर इसको चेंजेस कर देते हैं, ए को मिटा करके 3 बार हमने बी लिख दिया। याद रखिए कि जावा के आगे हमने बी लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जावा के आगे हमने बी लिख दिया है। अब ये चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं देखते हैं। इसको बंद किया हमने, विजुअल बेसिक ओपन किए, रन किए। अब देखेंगे कि यहाँ पर इस एरिया पर जावा के आगे जो 3 बार बी है वो लिखा हुआ है, यानी कि वो डेटाबेस और ये विजुअल बेसिक का जो फॉर्म है वो कनेक्ट हो गया है थ्रू ADODC। इस ADODC की मदद से विजुअल बेसिक और MS Access का जो टेबल है वो कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। वो एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं, डेटा एक दूसरे से लेना देना कर सकते हैं। और इस तरीके से बैक एंड और फ्रंट एंड के मदद से हम डेटा को सिक्योर रख के फ्रंट एंड पर कुछ डेटा को दिखा सकते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को डेटाबेस कनेक्टिविटी कहा जाता है। यहाँ पर हमने ADODC का यूज़ करके डेटाबेस कनेक्टिविटी की है, और आप इसके अलावा DAO और RDO का भी यूज़ करके डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के कई ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमने ADO ActiveX Data Object Control, इसका पूरा नाम है ActiveX Data Object Control, इसकी सहायता से हमने कनेक्टिविटी की है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से। तो ये था हमारा ADODC का जो कनेक्टिविटी का स्टेप्स है।